दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि बिहार और राजस्थान में गुटखा और पान मसाला पूरी तरीके से बैन किया जा चुका है। अभी देखो, इसको लेकर एक नया क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि बिहार और राजस्थान के बाद में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा कर दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि पश्चिम बंगाल में गुटखा और पान मसाला पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले देखो यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपको ऑप्शन में बिहार के बारे में कुछ लिखा हो, राजस्थान के बारे में लिखा हो, तो देखो बिहार और राजस्थान में गुटखा और पान मसाला पहले से ही बैन हो चुका था, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके थे। तीसरे नंबर पर आ गया हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में भी हाल ही में गुटखा पान मसाला पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध जो लगाया गया है, ये सही किया है या गलत किया है, इस चीज को लेकर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यहां पर आप एक फोटो भी देख सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो इस तरफ आपको गुटखा पान मसाला दिख रहा है, जिस पर कि ये बैन का साइन लगा हुआ है। साथ ही साथ में टाइम्स नाउ में इसको कल कवर भी कर रहा था, जिसमें लिखा था कि गुटखा बैन इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज यहां पर समझने की है कि ये जो निर्णय लिया गया है, इसको 7 नवंबर से अगले 1 साल के लिए मान्य माना जाएगा। साथ ही साथ में पिछली बार की बात करी जाए तो सन 2013 में, मई 2013 में भी 1 साल के लिए इसी तरीके का प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये है 1 साल के लिए। इसके बाद में इसको हो सकता है फिर से रेक्टिफाई कर दिया जाए। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में 35वां आसियान समिट किस शहर में आरंभ हुआ है। तो ये जो 35वां आसियान समिट है, इसको हाल ही में बैंकॉक शहर में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, बैंकॉक शहर में आसियान समिट जो है ये शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक फोटो भी दिखा देते हैं, जिसमें कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इस फोटो में नीचे लिखा है 35वां आसियान समिट एंड रिलेटेड समिट्स 2 तारीख से लेकर 4 नवंबर 2019 के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। साथ ही साथ में आपको बता दूं, इसको बैंकॉक में आयोजित किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर फोटो में आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आसियान के बारे में बहुत पहले कई बार बता चुका हूँ, आपको बताना है कि क्या भारत आसियान का मेंबर है या नहीं है, ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ में आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दिए। तो यहाँ पर ये जो 35वां समिट है, एक चीज़ आपको यहाँ पर और याद रखनी है कि इस बार जो आसियान का शिखर सम्मेलन हो रहा है, ये कौन से एडिशन का शिखर सम्मेलन है। तो आंसर टिक कर दोगे, इस बार 35वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसको 4 नवंबर तक इसको आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ में इसका जो उद्घाटन है वो किया है थाईलैंड के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है प्रयुत चान ओ चा ने। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है प्रयुत चान ओ चा, उन्होंने इस इवेंट का उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किस शैक्षणिक संस्थान के लिए एल्यूमनी एंडाउमेंट फंड लॉन्च किया है। तो हाल ही में आईआईटी दिल्ली के लिए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने आईआईटी दिल्ली के लिए एल्यूमनी एंडाउमेंट फंड जो है इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको एक फोटो भी दिखा देते हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट इस चीज को अनाउंस कर रहे हैं। साथ ही साथ में आपको एक फोटो दिखा देते हैं, जिसमें कि जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो सभी प्रेसिडेंट के साथ में एक फोटो सेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, आईआईटी दिल्ली के लिए हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एल्यूमनी एंडाउमेंट फंड को जो है लॉन्च किया है। इस फंड का उपयोग किया जाएगा इंस्टीट्यूट के क्वालिटी को बढ़ाने में, उसके डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ में चूंकि आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक इंडेक्स के बारे में हमने बात किया था, वो था क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी इंडेक्स 2020, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 पर इस रैंकिंग में है आईआईटी बॉम्बे, नंबर 2 पर है आईएएससी बेंगलुरु और नंबर 3 पर है आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली का यहाँ पर जिक्र हुआ था, जिस वजह से इसको भी रिविजन कर लेते हैं।
दोस्तों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के साथ में वीडियो को शेयर करके मोटिवेट जरूर किया करो। अगला प्रश्न बनता है कि अभी देखो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2019 वाला जो COP25 सम्मेलन है इसको चिली देश में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लेकिन अभी क्या है कि चिली देश ने COP25 सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मना कर दिया है। ठीक है, तो अब इसका आयोजन कौन सा देश करेगा इसको लेकर एक क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन क्या है कि चिली द्वारा COP25 सम्मेलन का आयोजन रद्द करने के बाद किस देश ने इसका आयोजन करने की घोषणा कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में स्पेन देश ने इस चीज की अनाउंसमेंट करी है कि वो 2019 के COP25 सम्मेलन का आयोजन करेगा। इससे पहले चिली देश इसका आयोजन करने वाला था जिसको लेकर हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं, और इसको अपने पुराने वाले पीडीएफ में अपडेट भी कर लेना। यहाँ पर देखो मैंने आपको ये वाला फोटो भी दिखाया था, उस समय COP25 सम्मेलन जो है 2019 वाला यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं वो चिली में ऑर्गेनाइज किया जाना था, लेकिन चिली देश ने इसको आयोजित करने से मना कर दिया है, जिसके बाद में स्पेन देश ने इसको इसके आयोजन का पूरा जिम्मेदारी ले ली है। अब इस सम्मेलन को स्पेन की जो कैपिटल है जिसका नाम है मैड्रिड, तो इसको मैड्रिड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक मन में सवाल आता है कि चिली देश ने इसको मना कर क्यों कर दिया है? क्योंकि हाल ही में चिली देश में सरकार के खिलाफ भयंकर भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसके कारण वहां पर इसको उन्होंने ऑर्गेनाइज करने से मना कर दिया है। साथ ही साथ में इसे स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में 2 तारीख से 13 दिसंबर 2019 के बीच में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं स्पेन पूरे वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आप जैसे ही सेंट्रल यूरोप की तरफ जाएंगे इस तरफ नीचे की तरफ आपको एक देश मिलेगा जिसको स्पेन देश के नाम से जाना जाता है। स्पेन की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, इसकी कैपिटल है मैड्रिड। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया है? तो देखो चूंकि ये पहली बार इसको पब्लिश किया गया है इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और इसके बारे में ट्विटर पर भी कल बहुत सारा डिस्कशन किया जा रहा था। इस ब्रेन एटलस को तैयार किया है IIIT हैदराबाद। देखो कई जगह आपको IIT हैदराबाद दिखेगा लेकिन एक्चुअल में वो गलती से लोगों ने लिख दिया होगा। यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम है IIIT हैदराबाद। IIT एक अलग चीज़ होती है, IIIT अलग चीज़ होती है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद। ठीक है, तो पहली बार इसको तैयार किया है IIIT हैदराबाद ने इंडियन ब्रेन एटलस को। ठीक है, इसके बारे में देखो एक फोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि ब्रेन एटलस को तैयार किया गया है, जिसमें इस एटलस में क्या होता है, ब्रेन की डायमेंशंस, ब्रेन की जो भी जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब के बारे में डिस्कशन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। इसके बारे में, इस एटलस के बारे में न्यूरोलॉजी इंडिया नाम की एक मेडिकल जर्नल होती है उसी में इसको प्रकाशित किया गया है, जिसमें ये निष्कर्ष निकले हैं कि भारतीयों का जो मस्तिष्क होता है वो लंबाई, चौड़ाई और घनत्व तीनों के लिहाज से जो वेस्टर्न कंट्रीज के पीपल होते हैं, पश्चिमी देश के लोग होते हैं, उनके कंपैरिजन में बड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो हमारा जो दिमाग है वो हो सकता है लंबाई, चौड़ाई और घनत्व में पश्चिमी देशों से छोटा हो, लेकिन चलने में बड़ा तेज रहता है। दोस्तों आपको भी पता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 पूरी तरीके से खत्म की जा चुकी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद रेडियो कश्मीर का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो रेडियो कश्मीर का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि रेडियो कश्मीर के नाम से जाने जाने वाले रेडियो को अब ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर के नाम से जाने जाने लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो जिसमें आकाशवाणी का मैंने फोटो भी लगाया हुआ है, और इसमें ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर के नाम से अब इसको जाना जाएगा। इसी तरीके से जो लेह में स्थित रेडियो है उसको ऑल इंडिया रेडियो लेह के नाम से भी जाना जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये जो 28वां व्यास सम्मान है ये प्रदान किया गया है लीलाधर जगूरी को। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका फोटो भी आपको दिखा देते हैं कि 28वां जो व्यास सम्मान है
ये लीलाधर जगोड़ी जी को प्रदान किया गया है, जिसमें कि आप इनको पीछे ये फोटो देख सकते हैं, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ में इस पुरस्कार को के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसका नाम भी आप पीछे देख सकते हैं, के बिड़ला फाउंडेशन का पोस्टर भी आपको पीछे की तरफ दिख जाएगा। ठीक है, इनको ये एक प्रश्न यहाँ पर ये भी बन सकता है कि लीलाधर जगोड़ी को ये व्यास सम्मान किस वजह से दिया गया है। एक्चुअल में इनकी 2013 में एक इनकी कृति आई थी जिसका नाम था जितने लोग उतने प्रेम। इसी जितने लोग उतने प्रेम के लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो कृति जिसके वजह से इनको ये पुरस्कार सम्मान दिया गया है, यहाँ पर देखो जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगुड़ी, और ये इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से इनको 28वां व्यास सम्मान जो है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया है। साथ ही साथ में इनको इस सम्मान के तौर पर 4 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र जो है वो प्रदान किया गया है। 1991 में इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। अगला प्रश्न चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पुलिस के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि सरदार पटेल की वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर दिल्ली में दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर का एक नया हेडक्वार्टर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जो है वो अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं उस कार्यक्रम में शरीक होते हुए, साथ ही साथ में ये फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें कि इस भवन का उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 31 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ में इस बिल्डिंग का निर्माण जो है ये 2016 में शुरू हुआ था, और ये इतनी बड़ी हेडक्वार्टर बनाई गई है जिसमें कि 1,000 कारों की पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। अगला प्रश्न बनता है, किस ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कंपनी ने हाल ही में अपना फूड डिलीवरी इलेक्ट्रिक ड्रोन लॉन्च कर दिया है? तो एक कंपनी है जिसका नाम है उबर ईट्स नाम की एक कंपनी, जो कि फूड डिलीवरी कंपनी है, जिसने हाल ही में एक इलेक्ट्रिक ड्रोन लॉन्च किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसका फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं उबर कंपनी का नाम और नीचे लिखा है उबर ईट्स, और ये ड्रोन है जिसका कि फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये फोटो देख सकते हैं, इस ड्रोन में 6 रोटर लगे हुए हैं, ये देखिए, जो इसको वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में इसकी सहायता करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ड्रोन है इसमें 6 रोटर लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये क्या करेगा, ये जो रोटर्स लगे हुए हैं ये इसकी वर्टिकल लैंडिंग, यानी कि अगर ये चाहे तो वर्टिकली सीधे नीचे की ओर आ सकता है और वर्टिकली टेक ऑफ भी कर सकता है। इसको थोड़ा दूर दौड़कर या हॉरिजॉन्टल वे में लैंडिंग से बेटर है कि इसको वर्टिकली इसको लैंड कराया जाए, सो दैट ये आसानी से फूड डिलीवरी कर पाएगा। इसकी जो रेंज है, एक बार फुल चार्जिंग के बाद में ये 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इस वजह से हो सकता है शुरुआत में से छोटे शहरों के लिए लॉन्च किया जाएगा। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में किसकी 125वीं जयंती के अवसर पर वित्त मंत्री जी ने एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? हाल ही में कौन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर एक कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। करंट अफेयर्स हम लोग पूरी तरीके से तैयार करते रहेंगे।